हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, एकदम बढ़िया ही रहना चाहिए। देखिए हमारे प्यारे स्टूडेंट, बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2024 के बारे में मैं बताने वाला हूं, जो कि ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड अभी लिंक एक्टिव फॉर्म अप्लाई इस दिन से, तो मोबाइल से ऐसे करें डाउनलोड। तो प्यारे स्टूडेंट, फॉर्म अप्लाई किस दिन से होगा, कैसे करना है, कौन कौन से छात्र छात्राओं का 2024 परीक्षा का फॉर्म अप्लाई किया जाएगा और कौन कौन सा ऐसे छात्र छात्रा है जिनका फॉर्म अप्लाई नहीं ले पाएगा बिहार बोर्ड, ये कौन सी जानकारी है, कैसे आप लोग प्राप्त करेंगे, सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूँ। साथ में आप लोगों को जो जो छात्र छात्रा है अपना अपना एडमिट कार्ड का फॉर्म भरना चाहते हैं या पिछले वर्ष फेल हो गए थे, उन सभी छात्र छात्राओं को जो है इस वर्ष एडमिट कार्ड का फॉर्म कैसे अप्लाई होगा वो भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले नंबर बात, पिछले वर्ष का एडमिट कार्ड जो भी छात्र छात्राएं के पास है उसी एडमिट कार्ड के अंतर्गत आप लोगों का फॉर्म भराएगा। साथ में आप लोगों का इस वर्ष जो है केवल आप लोगों का रोल नंबर, रोल कोड ये सभी थोड़ा सा चेंजिंग करके आएगा, बाद बाकी पंजीयन संख्या यानी रजिस्ट्रेशन नंबर वही रहेगा। साथ में जो जो नए नए छात्र छात्राएं जो इस वर्ष परीक्षा देने वाले हैं और न्यू स्टूडेंट है जो जो रजिस्ट्रेशन करवाए हैं, जिनका ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं आया है, उनको भी यहाँ से आप लोगों को एडमिट कार्ड का फॉर्म कैसे क्या करना है सभी जानकारी मिलेगा। तो आप लोग लास्ट तक जुड़े रहे, पूरा पूरा वीडियो से बने रहे, जिससे आप लोगों को पूरी जानकारी प्राप्त होगा। तो सभी डियर स्टूडेंट को गूगल या क्रोम पर आना है, सर्च करना है स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार, ठीक है ना, स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार आप लोगों को सर्च कर देना है। देखिए जैसा कि मैं सर्च किया हूँ स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार, ऐसा इंटरफेस आया है, इसी पर क्लिक कर देना है। क्या सर्च करना है? स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार, ऐसा इंटरफेस आएगा, इसी पर क्लिक कर देना है। बोल भी दीजिएगा तो आप लोग का ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, इसी पर हम लोग क्लिक कर दिए। अब क्लिक करने के बाद प्यारे स्टूडेंट आप लोग देखेंगे कि ऐसा इंटरफेस एक खुल करके आएगा, इस पर एक बार जरूर क्लिक कर लेंगे, जिससे आप लोगों को एक बार में फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। फिर ऊपर की ओर करेंगे तो आप लोगों को तैयारी करना है तो यहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं, यहाँ से भी, और डेली टेस्ट यहाँ से क्वेश्चन बैंक, यहाँ पर आप लोगों को पूरी जानकारी मिलेगा। न्यू अपडेट वाला सेक्शन में, न्यू अपडेट वाला सेक्शन में आप लोगों को आ जाना है, इस पर क्लिक कर देना है, कट कर देना है, उसके बाद आप लोगों को रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने के बाद आप लोग देखेंगे तो सबसे ऊपर में दे दिया गया है, यहाँ पर हाँ कर देना है। ऊपर में दे दिया गया है बिहार बोर्ड 12th 10th ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड, यहाँ से कैसे चेक करें डाउनलोड, इसी पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोग को समझ गए ना ऐसा इंटरफेस आएगा, एक बार जरूर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद ऊपर की ओर आएंगे और देखेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर आप लोगों को पूरा जानकारी दे दिया गया है, रजिस्ट्रेशन कार्ड फॉर मैट्रिक इंटर, क्या कहा है, बिहार बोर्ड इंटर मैट्रिक परीक्षा 2024 का ओरिजिनल पंजीयन पत्र के लिए इस पोस्ट में बताया गया है, कैसे डाउनलोड करें, किस ऑफिशियल नोटिस के अंतर्गत जारी किया जाएगा ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड, यह सभी जानकारी आप लोग को नीचे दिया गया है। पिछले वर्ष के अनुसार सभी विद्यार्थियों को बड़ी खुशखबरी के साथ झटका भी दे सकती है बोर्ड, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है ऐसे छात्र छात्राओं का नहीं जारी किया जाएगा ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड 2024 का। साथ में आप लोग देखेंगे प्यारे स्टूडेंट ध्यान से आगे देखिए क्या कर रहा है, बीएससी मैट्रिक इंटर एग्जाम 2024 ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड कैसे चेक करें, वो पूरा जानकारी यहाँ पर दे दिया गया है। साथ में आप लोगों को क्या क्या करना है ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड डाउनलोड करने के लिए, सो लिंक आप लोगों को यहाँ पर दे दिया गया है, लिंक भी आप लोग खुला है, एडमिट कार्ड फॉर्म कब से अप्लाई होगा लिंक देखिए मैं खोल करके बताता हूँ। तो आप लोगों को इस प्रकार से लिंक खुलने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी देखिए यहाँ पर आप लोगों को देखिए स्टूडेंट 12th रजिस्ट्रेशन कार्ड 2022-24 है ना, तो यहाँ पर आकर के आप लोगों को चेक कर लेना ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड। तो चलिए हमारे प्यारे स्टूडेंट इतना ही, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इतना ही पर जय हिंद जय भारत। करने से पहले मैं बता देता हूँ आप लोग को एक बार फिर से, ऐसा इंटरफेस आएगा, इस पर क्लिक कर देना है, सर्च करने के बाद उसके बाद स्टडी सिलेबस पर भी सर्च करना है, तो इस पर क्लिक कर देना है। डायरेक्ट अब ले चलता हूँ, एक न्यू अपडेट में जाना है, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोगों को एक बार इस पर स्क्रॉल कर लेना है क्लिक करके, उसके बाद आप लोग देखिए तो सबसे ऊपर वाला पर क्लिक करके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं।
चलिए इतना है, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतना है, जय हिंद जय भारत। आप लोग एक लाइक करिए, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। बेस्ट ऑफ लक।